दिल्ली के रोहिणी इलाके में सिगरेट की दुकान का पता पूछने को लेकर हुए झगड़े में कुछ युवकों ने दो भाइयों पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल देर रात को दोनों भाई सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर गए थे और उन्होंने वही शराब पी रहे कुछ युवकों से सिगरेट की दुकान का पता पूछा, जिसको लेकर उनका वहां उन लोगों से झगड़ा हो गया और उन्होंने इन पर चाकुओं से वार कर दिया, जिसके बाद दोनों को अंबेडकर नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक भाई राहुल को मृतक घोषित कर दिया जबकि दूसरा नवीन अस्पताल में भर्ती है। नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है। नवीन, क्या हुआ, ये कैसे हॉस्पिटल में हुआ? मैं और मेरा चाचा का लड़का और मैं अपने यहाँ दूसरे चाचा के घर आए हुए थे, तो हम आने के बाद हम रात को स्मोकिंग के लिए बाहर निकले, तो हमने किसी से शॉप के बारे में पूछा लड़कों से, तो वो लोग दारू पी रहे थे, तो उन लोगों से कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद वो मारपीट करने लगे और फिर उन्होंने चाकू निकाल करके मेरे जो कज़न ब्रदर है उसके हाथ पे मारा और पेट पे मारा और मेरे बैग पे मारा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से प्रभाकर राणा के साथ हिमानी उप्रेती, नवोदय टाइम्स।